आप में से किसी आदमी ने मर्सिडीज कार के बम्पर पे ये लिखा देखा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? कभी देखा है? कोरोला पे, ये सब कहां देखोगे आप? ट्रक पे, बस पे, ऑटो पे, टेम्पू पे, रिक्शे पे, नहीं? अब ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोगों का रिक्शे का देख को मन करता है कि काश ये रिक्शा मेरा होता? हमको नजर ही लगानी है मर्सिडीज को, ना लगाएं? और तेरा रिक्शा ही रह गया नजर लगाने को, और जूती टांगे घूम रहा रिक्शे पे, अबे देख कौन रहा है रिक्शे को? अब ये रिक्शे वाला क्या ये सोचता है इस फ्रीक्वेंसी का है? अभी तताज तू, और इसी का पंचर मिलेगा आपको, इसी का रिम टेढ़ा मिलेगा, इसी का चलान पुलिस वाला करेगा, डंडे भी इसी को पड़ने हैं और जूती भी इसी लटका रखी है। आप देखो हमारे यहां तो अजीब अजीब रिवाज हैं, छोटे बच्चों को काले टीके लगाए जाते हैं जी, देखा आपने? छोटे बच्चों को नजर से बचाने के लिए। और एक चीज आपने नोटिस की है, बच्चे का खुद का रंग चाहे कैसा ही हो, टीका काला ही लगना है। कईयों को तो मैं कहता हूं इसको आटे का लगाओ यार। थोड़ा कंट्रास्ट नजर तो आए। इनको नजर बड़ी लग रही है, मजाक नहीं कर रहा। आज ये जो टाई वाई पहन के आए हैं, इनको घर पे कहोगे थोड़ा काला टीका लगा लो। हाँ, कहीं आपको नजर ना लग जाए। वो शाहरुख खान अपने सारा दिखा रहा हो, ये खोल खोल के कि देखो, उसको नहीं लग रही नजर। उसके सिक्स एब्स हैं, पता ना आपको, सिक्स एब्स। हमारा एब है एब, और इस पे भी नजर लगती है। और अब क्योंकि हम इस लेवल का सोचते हैं, तो होता भी है। एक बड़ा गरीब आदमी है जी, आपने नाम सुना होगा उसका, मुकेश अंबानी। सुना नाम? अपने लिए बड़ा छोटा सा घर बना रहा है जी, वो सिर्फ 27 मंजिल का, खर्चा सिर्फ 8,000 करोड़, सिर्फ घर में सदस्य 6, दो फ्लोर पे खाली पार्किंग होनी है, एक फ्लोर पे स्विमिंग पूल और जिमनेशियम, 3 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं उसके घर पे, सिर्फ 8,000 करोड़ का खर्चा। उसको नहीं लगने नजर, यहां झुग्गियों पे हांडी लगी हुई है, बुरी नजर वाले से बचने के लिए। अबे तुम्हें देख कौन रहा है? नहीं, वो बड़ा सोचते नहीं। हमें बचपन से सिखाया गया कि हमारी स्लेट पे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और तेरे पास पहले ही थोड़ा है, और फिर थोड़े की जरूरत है। अच्छा, ऊपर वाले से मांगते भी क्या है, दाल रोटी चला दे बस। ऊपर वाले तो था तू, दाल रोटी चलेगी, मक्खन कभी नहीं होगा। इज इट नॉट? मैं आपको आज एक गोल्डन रूल बता रहा हूं, एक चीज ध्यान रखिएगा। ओलंपिक्स में जो ये तीरंदाज होते हैं ना, तीरंदाज जो उसका निशाना है ना, सटीक निशाना जहां वो मारना चाहता है, जब वो निशाना लेता है ना, हमेशा उससे थोड़ा ऊपर लेता है। क्यों? क्योंकि जब तक तीर छूट के निशाने तक जाएगा, तब तक ग्रेविटी भी काम करती है ना, तो थोड़ा तो नीचे आएगा ही, वही वहां जाते जाते और फट निशाने पे लगता है। तो यानी आस्क फॉर मोर, आस्क फॉर मोर, लाइफ से ज्यादा मांगो। हम तो मांगते ही कम है, दाल रोटी दे दो तो दातू, बस किसी तरह से गुजारा हो जाए।